हैं दरिया सतलुज के एक और मुकाम पे। मेरे सामने एक आपको पुल नज़र आ रहा है, ये पुल दरों वाला पुल कहलाता है और ये मुकामी जो लोग हैं इस गांव के, उन्होंने ये तामीर किया था। 1962 में इस पुल की तामीर शुरू हुई थी और 1964 में तामीर इसकी मुकम्मल हो गई थी। इस पुल में दरियाए सतलुज का पानी बहता था, दरिया की मौजें, पानी की लहरें एक अलग खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। लेकिन आज जिस मुकाम पे हम मौजूद हैं, ये दरियाए सतलुज का एरिया है और कोई वक्त था जब यहाँ से दरिया का पानी जो बड़ी ठाट बाट से बहता था, लेकिन आज ये दरिया ये मंजर पेश कर रहा है कि यहाँ पे जो पानी है दरिया सतलुज का वो बिल्कुल नहीं है और इस वक्त जो है ये मिट्टी पानी को तरस चुकी है। यहाँ से पानी जो है वो गुजरता था और इस इलाके को सराब करता था, लेकिन आज चूँकि पानी इंडिया ने जब बंद किया तो उसके बाद पानी इस इलाके में दाखिल नहीं हुआ। 1962 से लेके 1964 तक बनने वाला ये पुल अपनी मिसाल आप है और यहाँ के जो जम्मू रेतियाँ के लोग हैं उन्होंने ये पुल खुद अपनी मेहनत से तमीर किया था। साल इंदी रिपेयरिंग का काम भी होता होगा, वो लोग किस तरह करते हैं? अपने आप सारे लोग इकट्ठा करके पैसे आप पिंड लोग कुछ रल के इंदा रिपेयरिंग का काम किया जाता है। वो जड़े पैसे होंगे ने वो लोगों के कोलों इकट्ठे किए जाते इकट्ठे करते तो फिर काम इंदा शुरू होता है। अच्छा ये कुछ याद होएगा, ये वड्डिया ने दस्या होएगा कि ये पुल जड़ा है वो किस तरह बनाया गया? ये पुल वड्डे कहंदे ने भई जड़े दा ना इटा इंदियां चुकते मजदूर 5-10 किले तो दूरों सिर ते ले आके ते पुल तैयार किया गया है। ये जो मुकाम है पुराना मुकाम है, इसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप है और हम दाद देते हैं यहाँ के मुकामी लोगों को, जम्मू नगर के लोगों को कि जिन्होंने इस खूबसूरती को बरकरार रखते हुए ये पंजाब का वर्षा है और इसके अलावा हमारा एक तारीखी मुकाम भी है। पानी चाहे नहीं गुजर रहा इस वक्त यहाँ से, वो लोगों को अपनी मौजों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ नहीं कर रहा, चूँकि ये पुराना मुकाम होने के साथ साथ अपना एक अलहदा खूबसूरत जो है वो मंज़र पेश कर रहा है और हमारे हुकूमती अहदेदारों को भी दिखा रहा है। यहाँ पे जो पानी है वो बंद नहीं हो सकता था अगर हम कुछ इंतजामात करते, दरियाओं के हम इंतजामात करते तो इस इलाके में जो पानी है वो कभी भी इस पुल की जो मौजें थी उनको छीन नहीं सकता था। लेकिन आज यहाँ की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो के रह गई है, पुल अपनी खूबसूरती पेश कर रहा है और हम जो है वो यहाँ के लोगों को दाद भी देते हैं कि उन्होंने इस खूबसूरत मंजर को बरकरार रखा हुआ है।